गुड इवनिंग बेटा, मैं मोनिका मेहता, साइंस मिस्टर्स GSS लोगड़। अज तुहानू करा रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 10वीं। ठीक है, जिस तरह का तुहाडा दिसंबर का पेपर आना है तो लैट्स डिस्कस दिस। पहली रिएक्शनस हैगी है अलमीनियम विल डिसप्लेस इट, तो यह कि अज की विस्थापन क्रिया इंग्लिश जनू की कहने डिसप्लेसमेंट रिएक्शन कहोंगे। दैन सफेदी का घोल देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, जदों आयरन तो HCl रिएक्ट करते हैं तो दे विल फॉर्म दी आयरन क्लोराइड तो हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म। यह आजगा थोड़ा हाइड्रोजन गैस तो आयरन क्लोराइड विल बी फॉर्म। उस तो बाद है दही दे विच लैक्टिक एसिड बदहजमी वेले एंटा एसिड आएगा आंसर। एग दे जिहड़े छिलके हुंदे आ कैल्शियम कार्बोनेट दे बने हुंदे आ HCl नाल रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी फॉर्म, तो इस आंसर की आएगा HCl। ठीक है, HCl विल बी फॉर्म। आयरन नूं असी ग्रीस पेंट जा जिंक दी परत चढ़ाना मीनस गैल्वेनाइजेशन दे राही ता प्रोतक सारे आंसर आ जाएगा। इदा इनू रस्टिंग तो बचा सकते हैं। धातमी ऑक्साइड मैटल दे ऑक्साइड जिहड़े हुंदे आ जिवें सपोज सोडियम ऑक्साइड वाटर च पाओ तो दे विल फॉर्म दी सोडियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर बेसिक इन नेचर कन्वर्ट दी रेड लिटमस ब्ल्यू। ठीक है, तो मैटल दे ऑक्साइड की हो गए बेसिक इन नेचर, बेसिक का मीनस खारे होंगे, तो आंसर केड़ा आएगा यह। ब्यूटेनॉन दे विच केड़ा ग्रुप हो गया कीटोन। ठीक है, तो आंसर विल बी कीटोन, आंसर विल बी दिस। इथेन दे विच किन्ने कोविलेंट बॉन्ड्स होंदे है लिख लो। इथेन दा फॉर्मूला यू कैन सी 7 कोविलेंट बॉन्ड होंगे, सह संयोजन बंधन किन्ने होंगे 7। टोटल अटोमिक नंबर किन्ना होएगा 17। आवर्ती सारणी दे लैफ्ट टू राइट जाने मेटैलिक करैक्टर की है घटदा है। वेलेंस इलैक्ट्रॉन की संख्या पहला वधदी है फिर की है घटदी है। ठीक है, परमाणु सोख नाल इलैक्ट्रॉन गवा देंदे हन, पहला ये गवाणगे लूज करनगे एक कोविलेंट फिर असैप्ट करनगे, दैन दे विल असैप्ट दी इलैक्ट्रॉन, सॉरी पहला लूज करनगे फिर असैप्ट करनगे, तां इह नहीं सही। ठीक है, संयोजक इलैक्ट्रॉना की गिनती वधदी जांदी है। ठीक है, भी आयु आना चाहिए। जाइलम का की काम है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। सवेपोशी प्लांट्स हो गए, फोटोसिंथेसिस होंदी है तो वो उपरोतक सारे। मनुखी मादा जनन प्रणाली का किहड़ा अंग नहीं है, सकराणु वैनी। दैन अगला है एंथर दे विच की हुंदे हन पोलन ग्रेन्स। समझात अंग जिन्हां दी स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर सिमिलर। ठीक है, फंक्शन डिफरेंट, फंक्शन डिफरेंट। तो इहदे विचो देखो जो साडा हत्थ है ते कुत्ते दा अगला हत्थ, इहनां दे अंदर बोनस सेम होंदियां पर काम अलग होणगे। साडे दंद चबाण दे काम आउंदे आ, फंक्शन अलग हो गए। ठीक है, अभी तना हुंदा है अभी तना, तो उपरोतक सारे आ जाएंगे। डिवेलपमेंट दे अकॉर्डिंग साडी सिमिलैरिटी किहदे नाल है, चिमपैंजी नाल। उस तो बाद छोटे अक्षरां नूं पढ़न लई असी की है उत्तल लैंस लवांगे, ज़्यादा पावर वाला। इन्हां दोनों चो देखो आंसर किवें कढ़ना है, 1/f
जो उत्तल लैंस है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है प्लस होती है, ठीक है। एफ की होती है पॉजिटिव होती है क्योंकि ये की है इन्हों इमर्ज करेगा इकट्ठिया करता अभिसारी का लैंस का काम करता। तो 100/5 करिए अगर तो यह की आजगा 20 आजगी डायोप्टर, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए 5 सेंटीमीटर वाला एक उत्तल लैंस। वास्तविक तो समान आकार जदों सी ते पई हो लैंस के प्रकाश केंद्र ते मुख फोकस तो दुगनी दूरी ते मीनस आर ते सी ते पई हो सेम साइज का इमेज बनता है। हमेशा किसी दर्पण तो तुसी किन्नी भी दूरी ते खड़े होवो हमेशा सीधा प्रतीत होगा। संभव है केवल की होगा समतल जा मेले समतल होगा केवल समतल। मनु कित्थे रटीना ते बनता इमेज लैंस दी फोकस नू कौन कंट्रोल करता सिलरी मसल्स। यह R/5 हो गया, ठीक है। एक रजिस्टेंस नू असी की किता वो करता तो यह कि हो गया R/5। इदा करके 5 times तुसी लगा लो 3, 4, 5 एक बार होर लगा लो इतने प्लस 5/R। तो एलसीएम कि जू R/25 एनू रिवर्स कर लो तो 25, ठीक है आ जाएगा आंसर। इतने P=VI जे ये कि हैगी है 200 वोल्ट है तो यह 100 वॉट इनू 110 करता मीनस इतो हाफ करता तो किन्नी हो जूगी 50 वाट आ जाएगी, ठीक है। 100 वाट तो यह की आ जाएगी वोल्टेज नू हाफ करता, ठीक है। तो पावर भी हाफ हो जानी चाहिए है क्योंकि डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसिस केड़े होंगे है फलों के छिलके केक नींबू का रस, ठीक है। घा फुल चमड़ा ये भी बायोडिग्रेडेबल है। घा लकड़ी प्लास्टिक केक लकड़ी घा ये भी सारे केड़े समूह विच केवल जैव विघटनशील हैं। चमड़ा भी तो विघटनशील है केक भी लकड़ी भी घा भी चमड़ा भी नहीं हन आना चाहिए इतने। चलो हेठ लिखिया विचों केड़े भोजन लड़ी फूड चेन एवली बकरी मनुख मांसाहारी शाकाहारी। शॉर्ट सर्कटिंग वेले करंट की हुंदा ज़्यादा वध जाता है। बिजली धारा पैदा करन दी ब्योत नूं जनरेटर बिजली प्रेरण की घटना तो ये वाला हैगा इंड्यूस करंट जो एक चो एक कोयल चो करंट पास किया जाता तो दूसरी कोयल च भी करंट पास होना शुरू हो जाता है। पेंट क्यों करते हैं रस्ट तो बचाने लई, ठीक है। उदासीकरण किरिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ते HCl विल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनीकरण दे विच अनसैचुरेटड कंपाउंड्स जोड़े होंगे उन्होंने हाइड्रोजन, ठीक है, फिल होएगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लाटीनम दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटड सैचुरेटड कंपाउंड्स। तो यह ऑयल तो घी बनाने लिए यूज की जाती है इनू हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स कहने। आधुनिक आवर्ती सारणी विच आकार पीरियड दे अलोंग फ्रॉम राइट टू लैफ्ट सज्जे तो राइट टू लैफ्ट जाइए, ठीक है। पहला लैफ्ट टू राइट कर लो साइज गिनता जाता है। एक दो न्यूक्लियस तक, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इधरों इधर जाइए साइज की है डिक्रीजस। इन्होंने यदा रिवर्स पूछा राइट टू लैफ्ट जाइए तो साइज गोज ऑन इनक्रीजिंग ड्यू टू इनक्रीज इन द न्यूक्लियर
ਚਾਰਜ ਜੋ ਐਚ ਸੀ ਐਲ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਮਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ। ਪਰ ਥਰਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੋਸਿਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਡ ਰਿਮੇਨਸ ਆਫ ਦੀ ਔਰਗਨੀਜ਼ਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਰੀਡ ਇਨ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਦੀ ਫੋਸਿਲ। ਕਾਰ ਦੇ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਭੱਠੀ, ਸੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਫਲੇਮਿੰਗ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਿਯਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਜੋ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਓਜ਼ੋਨ ਜੋ ਹੈ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਉਹ ਸਟੈਟੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਟੋਸਫੀਅਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਵਿਲ ਐਂਟਰ ਇਨ ਟੂ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਯੂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗਨੀਜ਼ਮਸ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਟੀਨਾ ਸਾਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਦੀ ਰਿਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਮਾਊਥ ਉਸੋਫੇਗਸ ਸਟਮਕ ਦੈਨ ਲਾਰਜ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਸਮਾਲ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵੇ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਧਰ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਇਲ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਸਪਲਿਟ ਰਿੰਗਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਅਟੈਚ ਵਿਦ ਦੀ ਬੈਟਰੀ। ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਰੋਟੇਟ ਇਫ ਦੀ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਲੇਮਿੰਗ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਿਯਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਫਸਟ, ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਹਰਬੀਵੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹਰ ਇੱਕ। ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਈਟ ਪਲਾਂਟਸ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਜੂਗੀ ਔਰ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਜੋ ਵੀ ਹੈ
एक ही है डिस्ट्रॉय हो जाएगा सूरज ड्यू टू स्कैटरिंग, क्योंकि रेड लाइट दी वेवलेंथ जो है विब ग्योर इधरों इधर जाइए लैमडा की है बद्दी यदि 400 नैनो तो 800 नैनोमीटर है, लैमडा फॉर रेड लाइट मैक्सिमम है तो यदि स्कैटरिंग की होएगी मिनिमम होएगी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ दी लाइट। उस तो बाद है तंतां ते तंतां नूं भौतिक ते रसायनिक गुणा दे अकॉर्डिंग फिजिकल दे अकॉर्डिंग मेलेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है, डक्टिलिटी डक्टिलिटी हार्डनेस हार्ड है सॉफ्ट है ठीक है, और टेंपरेचर मेल्टिंग ते बॉयलिंग पॉइंट ये वाले पॉइंट्स तुसी मेटल दे नॉन मेटल्स दे एक्सप्लेन करने हैं डिफरेंस ऑलरेडी डन ठीक है, यू कैन मेक दी टेबल। और फिजिकल केमिकल करैक्टर्स च मेटल दे नॉन मेटल दे क्या है हैं, जो मेटल्स हैं वो की बनानगियाँ बेसिक ऑक्साइड ऑक्साइड तो रेड लिटमस नू की करनगियाँ ब्लू, नॉन मेटल्स जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे तो यह ब्लू लिटमस नू की करेंगे रेड करेंगे दिस वे। हाउ दी पोलीनेशन दे बारे पोलीनेशन किरिया निश्चेचन तो किवें यह एनिमल्स चुंदी है तो पोलीनेशन फ्लावर्स दे विच हुंदी है ते फर्टिलाइजेशन दे विच तुसी डिफरेंस दसना दिस टू आर दी डिफरेंट इस चो पोलन ग्रेन ते ओव्यूल होएगा इस एग ते स्पर्म ठीक है एनिमल्स चो इतना करके इन्हां दे विच डिफरेंस करना विद द हेल्प ऑफ विलाई फॉर्मेशन होएगी ठीक है, द प्लेसेंटा विल टेक दी फूड फ्रॉम दी मदर यूटरस। रजिस्टेंस किते डिपेंड करती है रो एल बाय ए ठीक है और रजिस्टिविटी है टोस्टा दे फिलामेंट शुद्धता दे नाम ना के ओलाइज दे बनाए जाते हैं ताकि ओलाइज का जड़ा मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होंदा मोर होंदा ते हॉट होने कारण कि टोस्टर जो इन्हों का फिलामेंट पिघल पिघले ना इस करके असी इन्हों ओलाइज दे बनाने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंस पेपर डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप ऑन।